प्यार से तुझे निकाले कोई जो बोले कहना चुप। हम करते जो दिल कहता हमको हर प्राणी सहता तेरी भी बोल में खोलू जोर से बोलू सदा। क्यों कब क्या कैसे होगा कौन कब दे दे धोखा फट फट सब चित पट कर तू मत ना डर। करते अपनी पेशी बातें भी अपनी जैसी आगे कुछ पीछे कुछ ये दुनिया ऐसी गिरगिट है। करते जो मारा मारी उनकी भी आती बारी हम तो भिक्षा है बस भिक्षा दे दो शांति। कुछ कह दो मुंह फूला लटके इज्जत का झूला झूले उसमें जो लटके देना के म्यूजिक का मजदूर। कर ले थोड़ी मेहनत तभी आगे तुझको जाना है झूठा वो बैठा जो ऊपर सच्चा ये जमाना है ना जाने क्यों जनता के दम पे तू बनता शाना है पब्लिक भी बोलेगी बच्ची क्या गाना है कैसे मैं बोलूँ क्या बोलूँ समझ में इनको आता नहीं हिंदू बोले मंदिर मेरा मस्जिद में वो जाता नहीं जात पात की बात नहीं ये बात है अपनी इच्छा की धर्म जात पे भेद करो क्या घर पे तुमको शिक्षा दी अत्याचारी इच्छाधारी भ्रष्टाचारी लोग बरे उनसे भी पूछो जिनका ना पेट भरा वो लोग मरे फर्क तुमको पता है जो होता है वो होने दो बाप का अपने चाहता क्या क्या कर जनता को सोने दो रोने दो खोने दो बस यही आजकल चर्चा है कामना फूटी कौड़ी जिसका उसी नाम पर खर्चा है पानी ना ये बाबा की ना कोई तो जादू झोल है एक बात पक्की है बेटा हम सब अनमोल है। Over now. Over now. Over now. आपका नाम क्या है? सोनल। सोनल आपने कहाँ से ऑडिशन दिया था? सूरत से दिया था सर। अच्छा गुजरात से दिया है तो कितने राउंड्स क्लियर करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हो? दो राउंड्स क्लियर किए तब वहाँ पे आपको कैसा लग रहा था विदाउट म्यूजिक विदाउट स्टूडियो और आज आपको यहाँ कैसा लग रहा है? एक्चुअली विदाउट म्यूजिक तो थोड़ा टफ रहता है पर फिर भी आज अच्छा लग रहा है कि ट्रैक के साथ गाना हुआ है। जैसे कि आपने बताया था आपने गुजराती मूवीज में गाना गाया है हाँ कितने गाने गाए हैं आपने? एक एल्बम किया है और दो मूवीज में किया काम किया हुआ है तो अभी ये बॉलीवुड में आपका पहला ये एंट्री होगी कि आप रियलिटी शो में आपने गाना गाया है राइट ओके आगे के राउंड्स के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यही कि इफ आई एम सिलेक्ट तो मैं मेरा बेस्ट 100% दूं और फिर गॉड की जैसी इच्छा। ठीक है आगे और भी दो तीन राउंड्स आगे और भी ऐसे दो तीन राउंड्स होंगे जो कि आपको क्लियर करना है और टॉप 32 तक पहुंचना है। 32 में पहुंचोगे तो बड़े जजेस आपके सामने होंगे तब तक आपको एक दो राउंड्स ऐसे ही क्लियर करने हैं अगर ये राउंड क्लियर करते हो तो फिर से एक गाना आपको सेम ऐसे ही मिलेगा कुछ ना कुछ अलग मिलेगा वो भी आपको गाना है जो बखूबी से निभाएंगे उन्हीं को आगे के लेवल्स के लिए लेके जाया जाएगा। तो आप गुजरात के लिए क्या कहना चाहोगे? यही कि बॉलीवुड के टिकट में अभी तक गुजरात का मेरे अलावा कोई नहीं आया है तो यही कि मैं बॉलीवुड का टिकट लेके गुजरात का नाम रोशन करूं मैं जहाँ रहती हूँ अहमदाबाद का नाम रोशन करूं। ठीक है और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके आगे
सिर्फ खाली गुजराती मूवीज में गाना गाना है या बॉलीवुड में गाना है या कहाँ कहाँ तक के आपके एक्सपेक्टेशंस हैं? प्लेबैक सिंगर बनना है मेरे को. मैं लता मंगेशकर की जी की बहुत फ़ैन हूँ, तो उनके जितना तो नहीं पर उनके लेवल का थोड़ा सा नाम करना चाहती हूँ. ठीक है, आपके साथ कोई आए हैं? या मेरी भाभी आई है, तो उनको बुलाइए. श्योर. आपका नाम क्या है? तृप्ति सोनी. तृप्ति, आप इनको कैसे सपोर्ट करते हो? आप जैसे कि इन्होंने कहा भाई भी सपोर्ट करते हैं आपको, कैसे भाभी सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं, सब करते हैं. मम्मी करती है, भाई सपोर्ट करते हैं, भाभी करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं. आप आपने कितना देखा है कि कितनी मेहनत करते हैं या सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं मेहनत करते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत देखा है. लाइक वे डेली अपने क्या बोलते हैं बुक्स है सब, उसमें से वो अपने लाइक डेली बोलते हैं ना, वो रिहर्सल करते हैं डेली ताकि वो अपनी फील्ड में आगे जा पाए. और लाइक मैंने जितना देखा है वो अपने लाइक वेरी अर्ली एज में उसने इस फील्ड में बहुत आगे है. वो अपने अर्ली स्टेज में बहुत आगे इस फील्ड में, उसने काफ़ी सारे गोल्ड मेडलिस्ट और ये सिंगिंग में बहुत सारा अपना मतलब लेवल का बेस दिया है इसने. और अभी तो वो मॉडलिंग में भी उसने मतलब जंप मारा है. अच्छा, एक चीज़ अभी इनसे ये पता चली है बैक स्टेज पे कि ये एक्टिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, सिंगिंग के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो एक्टिंग में आप कहाँ तक जाना चाहते हो सोनल? एक्चुअली सर, मैं सिंगिंग के लिए ही मेरे वहाँ पे एक सर के वहाँ गई थी, तो उन्होंने बोला कि सिंगिंग के साथ भी सब कुछ अपने फील्ड में आना चाहिए. तो आप एक्टिंग भी सीखो, मॉडलिंग भी सीखो, सिंगिंग भी साथ में करो. तो फिर मैंने अभी ट्राई किया, तो फिर अभी देखते हैं. जिसकी नैया पार होगी उसके दम पे बाकी के भी आपको मिल जाएंगे. राइट राइट, ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला राउंड कौन क्लियर कर पाता है. थैंक यू. थैंक यू.